जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं या हेलीकॉप्टर, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने तो सुना था कि लॉस सैंटोस सपनों का शहर है और ये तो एयरपोर्ट है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इनसे पूछता हूँ, हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मुझे लगता है इनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, ये कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। चलो मैं कहीं और चलता हूँ और यहाँ से मैं दूर चलता हूँ जहाँ पे कोई लोग और भी हो जिनको मेरी लैंग्वेज समझ आती हो। और ये देखो कितने बड़े बड़े प्लेन्स हैं और मैं घंटे से चल रहा हूँ और यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी। अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे दोस्तों। ये मुझे एक पार्किंग लॉट लग रहा है जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो देखो वो एक ब्लैक कार भी है, उसके पास चलते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, मैं चल चल के थक चुका हूँ और जिसकी ये गाड़ी मैंने चुराई है उसको मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो चलो थोड़ी देर तक गाड़ी के मज़े लेते हैं। और दोस्तों मैंने जिसकी गाड़ी चुराई थी वो मेरे पीछे आ गया था थोड़ी देर बाद और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा भी और मेरे से गाड़ी लेके चला गया। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं रहूँगा कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है और मैं यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। काश मेरे साथ कोई और आया होता ताकि मैं उसके साथ रह सकता। मुझे कितना समय हो चुका है मैं चलता ही जा रहा हूँ और किसी को यहाँ पे मेरी लैंग्वेज भी नहीं आती। मैं अब क्या करूँ, मैं घंटों से चल रहा हूँ और यहाँ पे आसपास कोई मुझे जानता भी नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ और मुझे अब रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ। वो देखो दोस्तों कितनी अच्छी गाड़ी है। और मैं उन लोगों से जाके पूछता हूँ कि यहाँ पे आसपास कोई होटल है और अगर वो मेरी हेल्प कर दें, मुझे कुछ पैसे भी दे दें ताकि मैं कहीं पे रह सकूं कुछ दिनों के लिए। तो चलो जाके पूछते हैं उनसे, हेलो दोस्तों क्या हाल है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है और मैं अभी नया नया यहाँ लॉस सैंटोस आया हूँ और मुझे यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, तो आप क्या मेरी मदद कर सकते हो? अरे भाई टेंशन वाली बात नहीं, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और ये माइकल है, ये मेरा दोस्त है और ये घर मेरा ही है। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम यहाँ पे ठहर सकते हो। थैंक यू फ्रैंकलिन भैया और माइकल भैया, यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता और आप मेरी मदद करके मेरे ऊपर एक एहसान डाल रहे हो जो मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी मेरी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अरे कोई बात नहीं, और तुमने अपना नाम क्या बताया? डोरेमोन। कोई बात नहीं डोरेमोन, तुम मेरे दोस्त ही हो, अब से तुम यहाँ पे रह सकते हो और जब तक तुम्हें कोई और नया घर नहीं मिलता तुम यहाँ पे रह सकते हो। और अगर तुम्हें कोई और पैसे भी चाहिए हो तो वो भी तुम मेरे से ले सकते हो। और जब तक तुम यहाँ पे रहते हो तो मैं अपने दूसरे घर में रह लेता हूँ। तो ओके डोरेमोन, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया है और अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ओके बाय। देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, काश एक मेरे पास भी होती तो मैं भी इस तरह की गाड़ी में बैठ के जा सकता, पर इतने मेरे पास पैसे ही नहीं है। पर मैं बहुत खुश हूँ, फ्रैंकलिन भैया और माइकल भैया बहुत अच्छे हैं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लॉस सैंटोस में भी इतने अच्छे लोग हो सकते हैं। तो चलो घर के अंदर चल के देखते हैं क्योंकि ये तो मुझे बहुत महंगा घर लग रहा है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं और फिर भी इन्होंने मुझे इधर रहने की इजाज़त दे दी। तो चलो अंदर से जाके घर देखते हैं। ये देखो कितना बड़ा घर है, इसका तो किचन ही इतना बड़ा है और ये देखो लिविंग रूम। जो मर्जी हो जाए मैं फ्रैंकलिन भैया का एहसान कभी नहीं भूल सकता। और मुझे काफी देर से चलते चलते भूख भी लग रही है। ओ ये देखो इधर तो स्विमिंग पूल भी है और तुम्हें तो पता है मुझे नहाना कितना पसंद है। ये कितना अच्छा पानी है और कितना ठंडा है और साफ कितना है ये पानी,
मैं तो आज तक इतने साफ पानी में नहीं नहाया, क्योंकि ये पूल भी इतना बड़ा है और इसमें लाइटिंग्स भी बहुत शानदार हैं। तो चलो आप बाहर आ जाते हैं, इधर तो मैंने अब रहना ही है, तो मैं यहाँ पे कभी भी नहा सकता हूँ। और ये देखो हॉट बाथटब, यहाँ पे भी मैं नहा सकता हूँ। और ये देखो यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह और सिटिंग, ये देखो कितनी शानदार है यहाँ पे। ये तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों रुपए का घर होगा, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो फ्रैंकलिन भैया ने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए थैंक यू। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये घर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि और जो नई वीडियोस आने वाली हैं उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।